दोस्तों, जब भी हम फोन में कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो जो सबसे पहला नाम आता है वो है मेगापिक्सल का, कि इस फोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है या 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। या जब भी हम अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं कि मेरा फोन तो इतने पिक्सल का है, या कभी कभी पूछते भी हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों के बीच में आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि मेगापिक्सल होता क्या है? अगर नहीं तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेगापिक्सल जो होता है वो हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं मिलियन पिक्सल्स की। इसमें एक मेगापिक्सल का मतलब मिलियन पिक्सल है। अब दोस्तों, पिक्सल क्या होता है? हर एक फोन के कैमरा के पीछे की तरफ जो कंपोनेंट लगा होता है उसे बोलते हैं सेंसर। अब इमेज सेंसर जो होता है उसमें छोटे छोटे पिक्सल्स का अरेंजमेंट होता है, और हर एक छोटे छोटे जो पिक्सल्स हैं वो हर एक पिक्सल अपने आप में कैपेबल हैं इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने में। तो जब आप कोई फोटो ले रहे होते हैं तो हर एक पिक्सल एक एक जगह को कैप्चर करता है। अब जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही इमेज आपको डिटेल में दिखेगी। आप उस इमेज को जूम करके बारीकी से देख सकते हैं। देखिए, ये तो बात हो गई पिक्सल की, अब एक मिलियन पिक्सल का मतलब क्या है? एक मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है उसका जो रेजोल्यूशन होता है उसे नापते हैं 1152x864 से। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास अप्रोक्स 10 लाख टोटल पिक्सल्स होंगे, इसलिए हम उस कैमरा को एक मेगापिक्सल बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम पिक्सल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे सेंसर है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है वो बढ़ते जाते हैं। मगर क्या दोस्तों, पिक्सल्स के बढ़ने से हमारे इमेज की क्वालिटी बढ़ रही है या घट रही है? इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मोबाइल फोन्स में जो सेंसर लगा है हम उसकी बात करते हैं। चलिए हम दो फोन्स का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आईफोन 6 और आईफोन 6X। अब आईफोन 6 में जो कैमरा था वो 8 मेगापिक्सल और आईफोन 6X में जो कैमरा था वो है 12 मेगापिक्सल। अब अगर वो सेंसर का साइज सेम है, अगर वो चेंज नहीं हुआ है, तो दोस्तों उसी साइज में अगर 80 लाख पिक्सल्स थे, अब वहाँ पर 120 लाख पिक्सल्स हो गए हैं। इसका मतलब दोस्तों यही है कि हमारी इमेज क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हुई है, क्योंकि उतने ही साइज में हमने 120 लाख पिक्सल्स को डाल दिया है। तो दोस्तों, ये तो थी सेंसर की बात। अब हम आपको कंपैरिजन करवाते हैं एक DSLR से मोबाइल फोन का। तो DSLR का जो सेंसर होगा वो काफी बड़ा होगा, मगर मोबाइल फोन का सेंसर काफी छोटा होता है। अब अगर दोनों में 12 मिलियन पिक्सल्स हैं तो जो DSLR के पिक्सल होंगे वो काफी बड़े होंगे और मोबाइल फोन का पिक्सल्स काफी छोटा होगा। ऐसे में DSLR ही आपको अच्छी क्वालिटी वाली इमेज दे सकेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।